नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आज हम बात करेंगे एक बार फिर से वैकेंसीज के बारे में। और ये वैकेंसी हैं म्यूजियम सेक्टर के अंदर है। आप इसको कल्चरल स्पेस कह सकते हैं, म्यूजियम कह सकते हैं, और मैं बात कर रहा हूं नई दिल्ली के म्यूजियम्स के बारे में। देखिए, आप वीडियो को बीच में मत छोड़ के जाइए, क्योंकि बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको साइट पे जाना है और किस प्रकार से आपको ये कंप्लीट एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना है। तो इसको आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये कंप्लीट समझ में आएगा। हाँ, किस किस सब्जेक्ट के बारे में है, यानी कि कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में भी बहुत ही जल्द मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे हमारे सामने है, सबसे पहले वैकेंसी का नोटिस है, और ये यदि बात करें तो ये वैकेंसी नोटिस आया है, यानी कि डेट 26 मई 2020 को, और ये इसका नंबर दे रखा है। आपने किसी रिफरेंस के लिए रखना है तो आप इसको रख भी सकते हैं, परंतु इसके बाद में मेन चीज शुरू होती है यहां पे कि एंगेजमेंट ऑफ द स्किल्ड प्रोफेशनल इन म्यूजियम सेक्टर, यानी कि स्किल्ड प्रोफेशनल यहां पे मांगे गए हैं। मैं ये भी बताऊंगा कंप्लीट आपको कि इसके रेगुलर हैं या किस प्रकार की वैकेंसी हैं, तो आप थोड़ा सा इंतजार जरूर कीजिएगा। क्रिएशन ऑफ द सेंट्रल टीम फॉर अंडरटेकिंग पब्लिक इंटरफेरेंस एक्टिविटी फॉर ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी अमंग ऑल म्यूजियम एंड कल्चरल स्पेस। टोटल पोस्ट यहाँ पे हैं 8, डिटेल इनक्लोज कर रखी है, टर्म और कंडीशन इनक्लोज्ड हैं, और टेनोर यहाँ पे मेंशन कर रखा है। टेनोर का मतलब है कि आपकी मिनिमम 2 साल की सर्विस रहेगी, परंतु मैक्सिमम के बारे में यहाँ पे कोई भी नहीं है कि कम से कम आपकी 2 साल की सर्विस यहाँ पे जरूर रहेगी। आपको एप्लीकेशन कैसे डालनी है, इसके लिए आपके सामने एक ईमेल एड्रेस दे रखा है, और ये ईमेल एड्रेस दे रखा है ये वाला कि sunita.dhavale@nic.in। लास्ट डेट दे रखी है समेसन की 19 जून 2020 को, और ये एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख रखी है, और यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है ये डेट है नेशनल म्यूजियम और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के ये सिग्नेचर यहाँ पे हैं। थोड़ा सा हमें नीचे जाना होगा और नीचे यहाँ पे देखते हैं कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है। इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म ये फिल करना है, यहाँ पे नेम ऑफ असाइनमेंट, नेम ऑफ एप्लीकेशन, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉरस्पोंडेंस, परमानेंट एड्रेस इत्यादि यहाँ पे पूछ रखा है। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन और अदर कोई रिलेवेंट आपके पास इन्फॉर्मेशन है, पब्लिकेशन है, रिसर्च डिटेल है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो था फॉर्म से रिलेटेड। अब यहाँ पे नीचे बता रखा है आपकी सैलरी वगैरह के बारे में। सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं, एंगेजमेंट ऑफ स्किल प्रोफेशनल। तो ये तो हम बात कर ही रहे थे कि स्किल प्रोफेशनल की इन म्यूजियम सेक्टर, क्रिएशन ऑफ सेंट्रल टीम फॉर अंडरटेकिंग पब्लिक इंटरफेरेंस एक्टिविटी फॉर ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी अमंग ऑल म्यूजियम एंड कल्चरल स्पेस। तो यहाँ पे अब देखें हम कि आपका रेनुमरेशन पर मंथ क्या होगा। ये हैं पोस्ट, इनको आप वैकेंसी समझ सकते हैं कि कॉपी राइटर की हैं 2, ग्राफिक्स डिजाइनर की भी 2, प्रोडक्ट डिजाइनर की 1, विजिट एक्सपीरियंस मैनेजर की 1, वेब डेवलपर की हैं 2। रेनुमरेशन किस प्रकार, कॉपीराइट का 85,000, ग्राफिक डिजाइनर का 85,000, प्रोडक्ट डिजाइनर का 85,000 और विजिटर एक्सपीरियंस मैनेजर 75,000, वेब डेवलपर के भी 75,000 यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। इसके बाद में प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट बात बता रखी है। टोटल जो बजट है ये मेंशन यहाँ पे कर रखा है, ये है 78 लाख रुपये, और टोटल नंबर ऑफ प्रोफेशनल कितने चाहिए, ये 8 है। तो ये है बजट और ये है वैकेंसी, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे बता रखा है। थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा मैंने मेंशन कर रखा है, पहले से ही हाईलाइट कर रखा है कि म्यूजियम आर चेंजिंग फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, और म्यूजियमोलॉजी दैट इज शेपिंग म्यूजियम फंक्शनल एंड रोल। कुछ ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यदि आप जानना चाहते हैं तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैं आपको तुरंत ही बता रहा हूँ कि आपको कहाँ पे जाना होगा और किस साइट से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस प्रकार से मेंशन यहाँ पे कर रखा है। अब ये अलग अलग वैकेंसी के बारे में अलग अलग रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रखी हैं, इसके साथ में स्किल्ड आपके पास कौन सा होना चाहिए ये भी बता रखा है। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है कॉपीराइट के लिए, ये स्किल है कि नॉलेज होना चाहिए इंडियन हिस्ट्री का, कल्चरल ऑफ इंडिया का। इसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करूँगा, क्वालिफिकेशन MA या फिर BA हो, या फिर मास्टर इन बैचलर इन जर्नलिज्म हो, हिस्ट्री हो, मार्केटिंग या रिलेवेंट फील्ड हो, 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अब दूसरा है आपका ग्राफिक्स डिजाइनर, यहाँ पे क्रिएटिविटी, इनोवेटिव विद एन आई फॉर एस्थेटिक्स ये मेंशन कर रखा है। और इसके बाद में मैं सीधा आपको लेके चलूँगा आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो है एनी ग्रेजुएट और 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ये मेंशन यहाँ पे
कर रखा है। उसके बाद में है प्रोडक्ट डिजाइनर, यहाँ पे प्लान लेआउट या डिस्प्ले ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द गिवन स्पेस इन मीडियम्स, ये मेंशन कर रखा है। और उसके बाद में सीधा चलते हैं क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो यहाँ पे दे रखी है बैचलर डिग्री इन डिजाइन और फाइन आर्ट। मिनिमम आपका एक्सपीरियंस कितना है, 5 साल का होना चाहिए। डिजाइन बैकग्राउंड में, सोवनियर प्रोडक्ट में, हैंडीक्राफ्ट में या आर्ट एंड कल्चरल एटसेट्रा में। उसके बाद में मेंशन कर रखा है कि प्रोफिशिएंट इन फोटोशॉप एंड इलुस्ट्रेटर, यानी कि फोटोशॉप आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे आती हो। और उसके बाद में अदर स्किल की भी डिमांड कर रखी है कि स्ट्रॉन्ग वर्बल या रिटन स्किल, मस्ट बी कंफर्टेबल इन प्रेजेंटिंग आइडिया टू द मैनेजमेंट, टीम प्लेयर इत्यादि होना चाहिए, एबिलिटी टू वर्क होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ए प्लस, ये भी होना चाहिए, ये यहाँ पे डिमांड कर रखी है। उसके बाद में है वेब डेवलपर, यहाँ पे डिजाइन इम्प्लीमेंट न्यू फीचर एंड फंक्शनलिटी ऑफ द वेबसाइट की बात यहाँ पे कर रखी है। अब सीधा चलते हैं इसकी क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट 4-5 एक्सपीरियंस ऑफ फुल स्टैक डेवलपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैचलर या मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस यहाँ पे होनी चाहिए। विजिटर एक्सपीरियंस मैनेजर की बात करें तो विजिटर एक्सपीरियंस मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग विजिटर एक्सपीरियंस। उसके बाद में चलते हैं इसकी क्वालिफिकेशन पे, और नीचे है यहाँ पे क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन में कुछ एडिशनल ड्यूटी भी यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। परंतु सीधी यदि डिजायरेबल की बात करें तो एक्सपीरियंस चाहिए गेन इन कॉमर्शियल एनवायरमेंट का, या प्रीवियस एक्सपीरियंस इन इवैक्यूएशन प्लानिंग, विजिटर कम्युनिकेशन और इमरजेंसी प्लानिंग के बारे में। छठे नंबर पे एक बार फिर से मेंशन कर रखा है कि कंसल्टेंसी फीस रेन्यूमरेशन विल बी 85,000 ऑफ ईच एंड ईच फॉर कॉपीराइट ग्राफिक्स डिजाइनर एंड प्रोडक्ट डिजाइनर, 75,000 ईच फॉर विजिटर एक्सपीरियंस मैनेजर एंड वेब डेवलपर, ये यहाँ पे एक बार फिर से मेंशन कर रखा है। तो ये तो थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों इसके बारे में कि जो आप जानना चाहते हैं, जो वैकेंसी डिटेल मैंने बताई म्यूजियम सेक्टर के अंदर और ये नई दिल्ली के अंदर ये जॉब है। तो अब आपको जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि यदि आप इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, तो सीधा मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये दे रखा है वेबसाइट, यहाँ पे कंप्लीट बात करें, यानी कि कंप्लीट बात का मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे यदि ये पूछें कि इसका URL क्या है तो आपको जाना कहाँ पे होगा, ये जाना होगा नेशनल। सबसे पहले आप मेंशन करिए नेशनल, उसके बाद में मेंशन करिए म्यूजियम, म्यूजियम के बाद में आपको मेंशन करना होगा इंडिया और फिर .gov, क्योंकि गवर्नमेंट की साइट है, .gov वो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, और .in। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, नेशनल, म्यूजियम, इंडिया, .gov और .in, ये है इसका URL। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, यानी कि इसको मिटा देता हूँ। और यहाँ पे आप देखिए कि साइट में बता रखा है कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली। अब आपको यदि वैकेंसी देखनी है, मैंने पहले से खोल रखा है, तो मैं इसको होम पे लेके जाता हूँ, और जब आप होम पे जाएंगे तो इस प्रकार से पेज आपका आएगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से तलवार बना रखी यानी एंटीक पीस यहाँ पे दिखा रखा है। नीचे चलते हैं और नीचे आपको यहाँ पे एक टैब दिखाई देगा वैकेंसी का, इस पर आप क्लिक कीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नई विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे दे रखी है वैकेंसी, वैकेंसी नोटिस प्रोफेशनल फॉर म्यूजियम एंड कल्चरल स्पेस, और तारीख दे रखी है 26/5/2020, डाउनलोड इन PDF फॉर्मेट। जो मैंने आपको दिखाया था ये उसी दिन का है, यानी कि 26 मई 2020 का, ये वही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।